बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालता के समीप बगजीवाला में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति बागेश्वर खाद्य पूर्ति विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला। मृतक तथा घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि वैगनार कार संख्या UK02-5577 दफौट से बागेश्वर की तरफ आ रही थी। बगजीवाला के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में सवार प्रकाश रावत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ब्रजमोहन घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल ब्रजमोहन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घायल व मृतक बागेश्वर के जिला पूर्ति विभाग में कार्यरत थे। एक वैगनार गाड़ी ये मालता की तरफ से आ रही थी, इसमें पूर्ति विभाग के दो लोग थे। जैसे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया, मौके पर पुलिस विभाग, हमारे फायर ब्रिगेड, आपदा वाले और गांव वाले भी काफ़ी पहुंचे। तो जिसमें एक जो इंजर्ड है ब्रिजमोहन, उन नाम बताया जा रहा है, इनको अस्पताल भिजवा दिया है और दूसरे की डेड बॉडी निकाली गई है। इसको भी जो है आवश्यक कार्रवाई के बाद अस्पताल भेजा जाए। अभी प्रथम दृष्टया तो दो ही लोग हैं, बाकी जांच की जाए। ये बता रहे हैं किसी काम से इधर आगे गांव हैं, अपने जांच के बाद यह वापस बागेश्वर को जा रहे हैं। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।